फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल रिद्धि रंजन ब्लॉग्स और मैं हूँ रिया आपके साथ। आज का टॉपिक है सनस्क्रीन। सनस्क्रीन तो हम लोग सबको ही अप्लाई करते हैं, पर मन में बहुत सारा सवाल आता होगा और बहुत लोग तो सही तरीके से सनस्क्रीन यूज करना भी नहीं जानते। बहुत लोगों के मन में सवाल है कि सनस्क्रीन क्यों यूज करें, तो आज का मेरा टॉपिक है सनस्क्रीन। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो जब आप लोग एक्सपर्ट्स स्किन एक्सपर्ट्स वगैरह से बात सुनते हैं तो जरूर सुने होंगे कि कुछ भी क्रीम वगैरह अगर हम लोग फेस में लगाते हैं तो उन लोगों को थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है। तो वैसे ही सनस्क्रीन कोई एक्सेप्शनल नहीं है। कभी भी सनस्क्रीन स्किन में लगाओ तो बाहर निकलने के 30 मिनट्स पहले लगाना है, मिनिमम 20-30 मिनट्स पहले। ये क्यों लगाना है? ताकि जो आप सनस्क्रीन लगा रहे हो वो स्किन के अंदर चला जाए और एक प्रिवेंटिव लेयर सन के अगेंस्ट तैयार कर दे। सनस्क्रीन क्यों लगाना है? ताकि आप यूवी रे से प्रोटेक्टेड रहो, आपका स्किन में टैनिंग नहीं आए और स्किन अच्छा रहे। एट द सेम टाइम बहुत लोगों को ये नहीं पता कि सनस्क्रीन कितने अमाउंट में लगाना है। कोई बहुत ज्यादा ले लेते हैं, कोई बहुत कम ले लेते हैं, कोई एकदम इतना सा ले लेते हैं और कोई बहुत ढेर सारा ले लेते हैं। हम लोगों को सनस्क्रीन लेना है उंगली के सेकेंड वाला हिस्सा से टिप तक, इतना तक लेना है हम लोगों को सनस्क्रीन। सनस्क्रीन कभी भी हाथ के पाम के बीचों बीच लेना नहीं है। सनस्क्रीन को स्किन में इस तरह से गालों में और चिन में लगाने के बाद धीरे धीरे इसको मसाज करना है, और मसाज करने के बाद उसको तब तक हल्का हाथों से मसाज करके डैप करेंगे जब तक सनस्क्रीन स्किन के अंदर नहीं चला जाए, व्हाइटनेस और ग्रीसीनेस स्किन से दूर हो जाए। तो ये है सनस्क्रीन लगाने का तरीका। अभी हम लोग के कंट्री में जो मौसम चल रहा है बहुत ज्यादा ही ह्यूमिडिटी है और टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा है। हाई ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से बहुत ज्यादा पसीना आता है। जब हम लोग घर से निकलते हैं, स्कूल कॉलेज या ऑफिस या कोई भी काम से बाहर जाते हैं, तो हम लोग स्वेट करने लगते हैं। तो इसका मतलब क्या सनस्क्रीन स्किन से निकल जा रहा है? क्या वो काम नहीं कर रहा है? नहीं, 3-4 घंटा जिसका जितना SPF वाला सनस्क्रीन है उतना देर तक वो सन प्रोटेक्शन देगा, पर 3-4 घंटा बाद हम लोगों को हमेशा से ही रीटचअप करना पड़ेगा। अब सनस्क्रीन लगा के मेकअप वगैरह करके तो निकल गए, अब इसको टचअप कैसे करें? तो टचअप करने के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगी SPF वाला कोई भी फेस पाउडर यूज करने, ताकि 3-4 घंटा बाद जब आप फेस पाउडर से टचअप करो तो आपका सनस्क्रीन लेयर भी बन जाए और आपका मेकअप भी इंटैक्ट रहे। इसके अलावा बहुत लोगों को लगता है कि सनस्क्रीन लगाना ही बस इनफ है, स्किन तो मेरा प्रोटेक्टेड हो गया। कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होता है। जब आप घर आओ तो डबल लेयर प्रोटेक्शन से सनस्क्रीन को उतारो। पहले फेस वॉश से अच्छा से मुंह धो लो और फिर क्लींजिंग मिल्क से वापस स्किन को क्लीन कर लो और थोड़ा सा टोनर लगा लो, तो जब बाहर से आते हो जितना स्किन डैमेज हुआ था वो वापस ये करने से रिप्लेनिश हो जाता है। तो यही तरीका है कि कैसे हम लोग सनस्क्रीन यूज करेंगे, और ये स्टेप्स अगर थोड़ा बहुत फॉलो करें तो हम लोग अपने स्किन को बहुत ज्यादा हेल्दी भी रख सकते हैं। एट द सेम टाइम यूवी रे से प्रोटेक्टेड रहने के लिए सनस्क्रीन यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आ जाते हैं SPF 10, 20, 30। SPF 10, 20, 30, 40, 60 ये नंबर्स होते क्या है? ये नंबर्स है कि कितना ज्यादा इंटेंसिटी ऑफ सन में हम लोग जा रहे हैं। जितने ज्यादा जा रहे उतना SPF वाला सनस्क्रीन हम लोगों को यूज करना है। तो आज का मेरा छोटू सा वीडियो यही तक था। अगर अच्छा लगा हो तो जरूर से लाइक कीजिएगा और डू सब्सक्राइब माई चैनल, और अगर वीडियो सच में बहुत अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन हैव अ नाइस डे। बाय।